जब हम चाटो बोलते हैं तो लगता है कि मन में अपने आप आ जाता है कि चंगा हो गए और अगर कोई वाल्मीकि जब कोई बोलते हैं लगता है कि बन गए होगा। इस ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे समाज में है, हमारी ताकत नहीं बन पा रही है। ताकत कब बनेगी? जो बाबा साहब पहले ही आपको बता रहे हैं ये आपकी ताकत है। ताकत वो ये है कि अगर जय भगवान जाटव जी को जेबी के बौद्ध कहा जाए, आरजी कौर को आरजी के बौद्ध कहा जाए, या वहां वो खड़े हैं बी के बौद्ध कहा जाए, तो उसके आगे फिर कोई नहीं पूछता कि तुम धानों का जमाल है धमी है। तो वो बौद्ध कहते ही आपका एक बहुत बड़ी ताकत मिल जाती है और वो ताकत हम इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम डरते हैं रिजर्वेशन से। अभी हमारे ये जो बैठे हुए लोग हैं ज्यादातर फर्स्ट या सेकेंड जनरेशन के लोग होंगे जो मकान बनाने में बच्चों को पढ़ाने में फीस देने में इसमें सब सब यही है बेचारे। इसलिए वो ताकत बन नहीं पा रही है, वो डर लगा रहता है कि शायद हमारा रिजर्वेशन खत्म हो जाए। उसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक से डिफाइन करवा चुके हैं जो 90 का जो ऑर्डर है बौद्ध धर्म को लेकर के, क्या बौद्ध आएंगे तब भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा, ये बात फैल नहीं पा रही है लोगों के बीच में, क्या नहीं रही। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि आप करें कुछ कुछ भी ना करें, इतना कर सकते हैं कि 2019-20 में इन्वर्टर आपके घर जाने वाला है जो जनगणना करता है, ना आप सर्टिफिकेट में चेंज करवा पाए तो उस इन्वर्टर के को ये बताएं कि मेरा धर्म बौद्ध है, मेरा नाम ये बौद्ध है, बौद्ध उसमें लिखवाएं। आपका नाम चूंकि देवनागरी लिपि के हिसाब से हम लोगों का संस्कार भी हुआ है, भाषा की ज्ञान के लोग हम लोग नहीं है, जो बोल देते हैं वही हम समझते हैं वही कहते भी हैं, इसलिए हम लोगों का नाम हिंदुओं जैसा ही होता है। तो जो वो उसमें न्यूमरेटर लिखता है धर्म के कारण और हिंदू लिख देता है, तो हमारी आबादी केवल आज की तारीख में 84 लाख है बौद्ध लोगों की आबादी, जबकि 2001 की जनगणना में 2011 की जनगणना में 84 लाख है, 2001 की जनगणना में 87 लाख थी, जनगणना घट के 3 लाख कम हो गई हमारी। क्यों कम हो गई? क्योंकि वो डरते हैं कि और किसी से नहीं ज्यादा डरते हैं, अम्बेडकर वादियों से ज्यादा डरते हैं, इसलिए वो घटा रहे हैं आपको बढ़ नहीं पाए। हमारी हमारा सलूशन ये सजेशन ये बहुत सिंपल सा है कि इन्वर्टर को अपने नाम के सामने बौद्ध लिख करके अपना धर्म बौद्ध लिखवाएं। उससे होगा क्या कि बिना कुछ किए बिना धर्म दीक्षा किए आपका जो वो परसेंटेज वोट का है 20-22 करोड़ पहुंच जाएगा और अभी आपके 87 लाख 22 करोड़ आबादी जब पहुंच जाएगी तो आपकी ताकत अपने आप बन जाएगी। इसी को बाबा साहब ने 1956 में कहा कि हम बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहे हैं इसलिए नहीं ग्रहण कर रहे हैं कि हमें कुछ फायदा होने वाला है, इसलिए कर रहे हैं कि आपको एक ताकत मिल जाएगी कि अभी जब आपको मारा जाता है तो अमेरिका ये चाइनीज एम्बेसी या कोरियन एम्बेसी सिलोनीज एम्बेसी बर्मीज एम्बेसी में हम लोग जब जाते हैं तो कहते हैं कि आपका झगड़ा आपका घर का झगड़ा इतना कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब बौद्ध बन जाएंगे तो जब भी कहीं कोई मारा जाएगा कोई तकलीफ होगी तो पूरे देश के दूसरे देशों के बौद्ध हैं देश जो है वो आपके पीछे आएंगे खड़े होंगे आपका प्रोटेक्शन है, इसलिए बौद्ध होना जरूरी है। मेरा प्रपोजल इतना ही है बस कि आप बौद्ध लिखें बौद्ध बन जाए बौद्ध धर्म ग्रहण कर लें, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो हमें ये तकलीफें हमेशा झेलते रहनी पड़ेगी, क्योंकि सत्ता में तो हमारे कोई ना कोई पहुंचेगा ही, हम नहीं पहुंचेगा तो कोई और पहुंच जाएगा, जसवंत सिंह जी भी लगे हुए हैं आम आदमी पार्टी में शायद वही पहुंच जाएंगे, तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं लगे हुए हैं कहीं कहीं पहुंच ही जाएंगे, लेकिन जो हम मारा गोल है वो नहीं मिल पाएगा। 22 करोड़ 25 करोड़ की जो आपकी ताकत आ जाएगी तो वो अपने आप आधी बात तो बिना कहे तो आपका मान लेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।